आज का हमारा रूरल ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है भाई। आज हम लोग बना रहे हैं देसी मुर्गा। आप जैसे देख पा रहे हैं ये लगभग भाई 3-3.5 किलो का है और ये भाई एकदम रूरल स्टाइल में हम लोग इसको बनाएंगे और आप देखेंगे एकदम बहुत टेस्टी बनता है भाई। इस तरह का आप बना के देखिए। तो भाई मुर्गा का जितना सारा पंख था भाई इसको हम लोग साफ कर लिए हैं भाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आग से सेकेंगे भाई। तो भाई जनरली सभी लोग जो क्या करता है भाई, गर्म पानी से इसको छीलता है, लेकिन हम लोग आग से इसको सेक, यही प्रोसेस है जो रूरल कुकिंग को अलग बनाता है भाई। तो अभी इसको सेकते हुए नहीं दिखा सकते, यूट्यूब गाइडलाइन से फिर भाई बाहर हो जाएगा। तो इसको भाई अभी सेक लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो भाई आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर आग अब जल गया है। अभी हम लोग जो है इसको अभी सेकेंगे पूरी तरह से, जितना भी अभी थोड़ा थोड़ा इसमें अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि अभी भी पंख इसमें दिख रहा है भाई अभी भी। तो इसको झोसेंगे ना भाई तो क्या होगा कि ये पंख सारा रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है इस प्रोसेस से यूनिकनेस भी आता है भाई, टेस्ट अलग प्रकार का आएगा। तो अभी झोसते हैं भाई, उसके बाद आगे का फिर प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम लोग अभी आग से इसको पूरी तरह से सेक लिए हैं, ठीक है। टूटा हुआ जितना भी पंख है भाई वो ख़त्म हो गया और फ्लेवर भी इन्हेंस होता है इससे भाई। तो ठीक है, अब इसको हम लोग कटिंग करते हैं भाई, आगे बने रहिए ब्लॉग में। हम लोग अच्छे से पहले इसको धो लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छे से साफ कर लिए भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम लोग करते हैं भाई पीस कटिंग करते हैं अच्छे से भाई। अब हम लोग मुर्गा कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जैसे अभी काट रहा है इसको पीस अच्छे से करेंगे, उसके बाद जो है इसको बनाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई ये ब्लॉग होने वाला है, आप लोग देखते रहिए भाई कि कैसे हम लोग रूरल स्टाइल में इसको बनाते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग कटिंग ही कर रहे हैं भाई, जैसे कटिंग कर रहा अब इसको पूरी तरह से कटिंग करके फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए ब्लॉग। तो साइज़ देखिए कितना बड़ा है इसका भाई, ब्रेस्ट का साइज़ देखने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना बड़ा ही मुर्गा है। कम से कम भाई इसमें 3 या 3.5 केजी इसमें निकलेगा भाई मीट। तो भाई भोटी को भी अच्छे तरह से निकालना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी भोटी फट गया तो क्या होगा भाई, गंदा हो जाएगा पूरा। तो अभी भाई जो है इसको बहुत ही अच्छे से निकाल रहा, और ये भाई अंडा नहीं है भाई, गलत नहीं समझना, ये अंडा नहीं है, ठीक है, ये किडनी है शायद। ये भी बहुत टेस्टी खाने में लगता है। लेग पीस देखो भाई कितना बड़ा है भाई। भाई पीस को हम लोग यहाँ पे मीडियम ही रखने वाले हैं। तो दोस्तों ये मुर्गा का कलेजी है और इसको बहुत ध्यान से भाई हटाना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक होता है भाई पीत, ये देख रहे हो भाई हरा हरा, अगर ये गलती से भी रह गया ना भाई तो पूरा जो मीट को ख़राब कर सकता है। इसलिए भाई इसको हटाना बहुत ही कंपलसरी है, इसको रिमूव नहीं करेंगे तो पूरा चिकन बर्बाद हो जाएगा भाई। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि चिकन हो गया कट के पूरी तरह से तैयार। अब इसको हम उठा लेते हैं भाई, अब जो है इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और रूरल स्टाइल से ये बनेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं।
तो भाई हम लोग जो चिकन बना रहे हैं इसमें हम लोग मसाला यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या मसाला है। ये है मिर्ची गुंडी, ये आपका हो गया आपका धनिया पाउडर, एक टमाटर यूज कर रहे हैं ग्रेवी के लिए, और ये है प्याज, ये हल्दी, और भाई स्वाद अनुसार नमक जो कंपलसरी है, और भाई ये है सरसों देसी तेल भाई, और यहाँ पे तेज़पत्ता यूज कर रहे हैं भाई फ़ौरन के लिए, और कुछ मसाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीरा मिर्च, हरा मिर्ची, और ये हो गया आपका लहसुन और अदरक। तो हम लोग भाई रूरल स्टाइल में जो चिकन बना रहे हैं तो इतना मसाला हम लोग सिंपल यूज करते हैं, और जब बनेगा भाई तभी आप मुर्गा का कलर देखना भाई, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खासियत है इन मसालों का। तो अभी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं भाई, चलते हैं। तो अभी हम लोग भाई प्याज को काट रहे हैं बारीकी से, क्योंकि प्याज ही तेल के बाद प्याज का ही काम है। तो हम लोग अभी प्याज को अच्छे से पहले काट लेते हैं, उसके बाद जो है मसाला भी पीसना है। तो प्याज टमाटर पहले काट के उसके बाद मसाला पीसते हैं भाई। इधर भाई मसाला भी पिसा रहा, आप देख रहे हो पिसाना स्टार्ट हो गया मसाला। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो है लहसुन मिर्ची और अदरक को पीसेंगे अच्छे से, उसके बाद जीरा मिर्च पीसेंगे। तो चिकन में जो है ना अदरक लहसुन और मिर्ची, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है भाई। तो इसको हम लोग अच्छे से पीसेंगे क्योंकि यही फ्लेवर देता है भाई चिकन को, ठीक है। जो चिकन में जो एक टाइप का जो भाई स्मेल होता है ना वो ख़त्म करता है लहसुन आदि, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको देना आपको ज़रूरी होता है। तो अभी इसको हम लोग पीस लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग भाई डेली हम लोग दिखाते हैं भाई, आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए। तो भाई यहाँ पे जो है लहसुन अदरक जो है वो पिसा चुका है पूरी तरह से, अब हम लोग जीरा मरीच को पीसेंगे। इसको भी अच्छे से हम लोग पीसेंगे क्योंकि भाई ये भी फ्लेवर देने का काम करता है, और साथ साथ ग्रेवी में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है, और भाई टेस्ट तो भाई इसका काम ही है टेस्ट को इन्हेंस करना। जीरा मरीच तो भाई कंपलसरी होता है रूरल स्टाइल, अगर आपको चिकन बनाना तो जीरा मरीच कंपलसरी है भाई। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से पीसते हैं। यहाँ पे हम लोग का जीरा मरीच भी पिसा के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, पूरी महीन पिसा गया है। और हम लोग भाई मिक्सी उक्सी का यूज़ नहीं करते, हम लोग का हमेशा से यही रहा है इस, ये जो ट्रेडिशनल हम लोग का है भाई यही, और इससे भाई देखो हेल्थ के लिए भी सही होता है ये, और हम लोग इसी में भाई पीसते हैं। हम लोग इसको लोढ़ी पाटी बोलते हैं भाई, आप लोग का अलग लैंग्वेज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी मसाला पीस लिया भाई, इधर टमाटर और प्याज भी अच्छे से कटिंग हो गया, अब हम चिकन बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में आगे का प्रोसेस देखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आग जला रहे हैं, आग यहाँ पे जल ही गया है लगभग, अब आगे का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग कढ़ाई जो है गरम होने का वेट कर रहे हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं कि कढ़ाई लगभग गरम हो चुका है, और जैसे ही ये पूरी तरह से गरम होगा अभी हम लोग इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो भाई कढ़ाई गरम हो चुका है आप जैसे देख पा रहे हैं, तो हम लोग अभी इसमें सरसों का तेल यूज करेंगे। तो भाई हम लोग तेल गरम होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि तेल से जब तक धुआं नहीं निकलेगा ना भाई, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा तब तक, वो प्याज में जो ब्राउन कलर जो दिखता है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी पूरा गर्म होने का हम लोग तेल का वेट कर रहे हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं तेल पूरी तरह से हो गया गर्म, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो ये हमारा कटा हुआ जो प्याज था वो प्याज अभी डाल रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें तेज़पत्ता का भी हम लोग यूज़ करेंगे फ़ौरन की तरह। तो प्याज अभी हम लोग तेल में दे दिए भाई, अभी इसको लाल होने तक का वेट करेंगे, क्योंकि अच्छे से प्याज अगर पकेगा नहीं तो प्रॉब्लम क्या भाई कि तो आपका वो रेसिपी अच्छे से नहीं बनेगा भाई। तो ये ज़रूरी होता है कि प्याज अच्छे से भुंजाए, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं प्याज अच्छे से भुंजाने का। तो अभी प्याज जो है देखिए गोल्डन ब्राउन अच्छे से अभी नहीं हुआ है, आपको दिखाएंगे कि किस स्टेज तक इसको हम लोग पकाते हैं।
तो भाई प्याज हो गया है लाल, आप देख सकते हैं प्याज आपको इतना ही लाल करना है, इससे ज़्यादा लाल करेंगे तो हो सकता है कि प्याज जल जाए। तो हम लोग का परफेक्ट जो है लाल प्याज हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे चिकन। अब भाई हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं चिकन को। अब इसको भाई हम लोग अच्छे से मिला लेंगे, तेल जो है पूरी तरह से चिकन अभी ताम लेगा, खींच लेगा। और इसको अभी 10 मिनट लगभग भूनेंगे अच्छे से, जब तक जो है चिकन जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक इसको भूनेंगे अभी। तो भाई अभी हम लोग नमक दे रहे हैं, अभी इस स्टेज में नमक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम लोग नमक इसमें देंगे तो क्या होगा कि चिकन का सारा एक्स्ट्रा पानी जो है छूट जाएगा और उसको हम लोग जला देंगे, इससे क्या होगा कि टेस्ट में भाई डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग टेस्ट के अनुसार स्वाद अनुसार जितना नमक होगा उतना हमने नमक दिया यहाँ पे, क्योंकि चिकन का भाई पानी जब तक नहीं निकलेगा ना, उस सूखेगा नहीं ना, तो ये भुना नहीं पाएगा अच्छे से भाई। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस चिकन का अच्छे से पूरा पानी निकाल के उसको सुखाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि नमक देते ही जो सारा चिकन जो है पानी छोड़ दिया भाई, देखो आप देख सकते हैं कि कितना पानी छूट चुका है। अब इसको जो है सुखा के जो है इसको भूनना है 10 मिनट, उसके बाद सारा मसाला यूज करेंगे। चिकन हमारा भुना गया है भाई, जैसे आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं कि पूरी तरह से चिकन हमारा भुना गया। अब यहाँ पे हम लोग हल्दी का यूज करेंगे, अब हम लोग हल्दी देंगे। अब दोस्तों पड़ेगा आधी लहसुन का पेस्ट, अब हम लोग सारा मसाला अब चिकन में डालेंगे। ये हो गया हमारा जीरा मरीच पेस्ट जो पहले ही आपको दिखा चुके हैं, और ये सिर्फ कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मिर्ची गुंडी, और ये हमारा हो गया धनिया पाउडर। अब इसको हम भूनते हैं 5 मिनट के लिए अच्छे से। तो हम लोग सारा मसाला भी इसमें दे चुके हैं और हम लोग इसको कम से कम 10 या 15 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। जब तक ये भुनाएगा नहीं मसाला ना, तब तक इसका फ्लेवर नहीं आएगा। तो हम लोग अभी इसको 10 मिनट भूनते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आप यहाँ पे चिकन का कलर देख सकते, अभी ही कलर जो है चिकन में आ चुका है, लेकिन इसको अभी और 10 मिनट भूनेंगे। हमारा चिकन यहाँ पे लगभग लगभग भुना चुका है और अभी थोड़ा सा क्या रहा कि कढ़ाई में जो है ये सट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो है टमाटर का यूज करेंगे जो कि ग्रेवी का भी काम करेगा। और ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता है ना, तो क्या होता है कि हम लोग को पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और सटेगा भी नहीं कढ़ाई में। तो हमने यहाँ पर टमाटर दे के अब और 5 मिनट भुनना और हमारा चिकन लगभग तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे चिकन जो है पूरी तरह से भुना चुका है, हम लोग 15 से 20 मिनट इस चिकन को भुने हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी से भी पता लगा सकते हैं कि इसमें आपको प्याज नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि मसाला जो है आपका पूरी तरह से भुना चुका है और चिकन भी भुना चुका है। और यहाँ पर ग्रेवी के लिए अब थोड़ा सा हम लोग पानी देंगे क्योंकि ज़्यादा आदमी है हम लोग, तो ग्रेवी भी यहाँ पर ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
तो दोस्तों हम लोग जो है ग्रेवी में थोड़ा पानी यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपको वो टेस्ट नहीं लगेगा खाने में, क्योंकि ग्रेवी गाढ़ा रहता है तो अंदर तक भाई टेस्ट आपको मिलेगा चिकन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी लगभग क्या पूरी तरह से हमारा चिकन यहाँ पे तैयार हो गया। आप एक बार अच्छे से देखिए, देखने में ही इतना लाजवाब लग रहा है तो खाने में भाई बहुत ही टेस्टी रहेगा। हम लोग का चिकन यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अब इसको उतारेंगे और आके बताते हैं भाई कि कितना ये टेस्टी लगा है, ठीक है। तो हमारा ब्लॉग में बने रहिए, अभी हम लोग जो है आगे का आपको ब्लॉग दिखाते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं कि कितना टेस्टी ये रूरल कुकिंग स्टाइल में बना है मुर्गा। आप लेग पीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टेस्टी होगा। भाई चावल और ग्रेवी का भाई यहाँ पे टेक्सचर देख सकते हैं इस तरह का है। एकदम देसी तरीका से ये बना भाई, एक बार आप लोग बना के ट्राई कीजिए, मस्त बना भाई, बहुत ही टेस्टी ग्रेवी है। अब चिकन देखिए पूरी तरह से ये सीज चुका है, भुना चुका है पूरी तरह से, बहुत ही शानदार बना भाई। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिए। हमारे रूरल विलेज कुकिंग चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग को भाई सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले।